जी सर, जी सर। प्रधानमंत्री महोदय ने जो जिस उद्देश्य के साथ इस यूपीएस को लागू किया है, उनके जो इस स्पीच का एक पार्ट बता रहा हूं आपको। उन्होंने ये कहा है कि यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है ये। उन्होंने यह कहा कि देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में हमेशा जो भी कर्मचारी है, जिसे भी किसी तरह का अप्रिहेंशन है कि हमारे लिए सही है या नहीं है, तो वो दो ऑप्शन में से जो भी उसके लिए बेटर होगा वो ले सकता है। तो एक मेरे को लगता है ये चूँकि सुनिश्चित इसमें हमें पैसा मिलेगा, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसमें लगभग सभी कर्मचारी इसके लिए ही विकल्प देंगे।